हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक मित्र पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है जो कि भारत सरकार के द्वारा 1 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में सब्सक्राइबर को 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मंथली पेंशन का प्रोविजन है, जो कि 60 साल के बाद यानी कि रिटायरमेंट उम्र के बाद दी जाती है। इस स्कीम में आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो आपकी एज ऑफ एंट्री पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस पेंशन को भारत सरकार ने खास तौर पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स में फ्रेंड्स वो सभी लोग आते हैं जिनके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या फिर वो जो गवर्नमेंट सेक्टर से हटकर एक रेगुलर पेमेंट में नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस पेंशन स्कीम के डिटेल्स क्या रहेंगे, इसका बेनिफिट क्या रहेगा और आप इस स्कीम को कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो चलिए हम जानते हैं। फ्रेंड्स, इस स्कीम में आपको अगर एंट्री करनी है तो इसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए और आप अपनी मर्जी से 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की किसी भी पेंशन के लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन योर एज ऑफ एंट्री आपका एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट डिसाइड होगा, जो कि आपको हर महीने या फिर क्वार्टरली बेस पर या फिर हाफ ईयरली बेस पर पे करना होगा। इस स्कीम में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी आपको को कंट्रीब्यूट करती है, पर आपका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो आपको सरकार करेगी वो 1,000 रुपीज़ मैक्सिमम रहेगा, वो भी 5 साल तक, ठीक है। अभी तक फ्रेंड्स इस स्कीम में 71 लाख जो लोग हैं वो अटल पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब कर चुके हैं फरवरी 2022 तक। इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, वो ऑर्गेनाइज करती है। इस स्कीम में सब्सक्राइबर को पेंशन का प्रोविजन है, जब सब्सक्राइबर 60 साल का हो जाएगा उसके बाद उसको एक पेंशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि उसने एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट चूज की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और मान लीजिए अगर 60 साल के बाद सब्सक्राइबर जो इस स्कीम को क्लोज करना चाहता है तो ये सारा जो उसका पेंशन फंड कॉर्पस है वो उसको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस स्कीम में आपको एक सुविधा क्या दी गई है कि अगर मान लीजिए सब्सक्राइबर की डेथ पहले हो जाती है 60 साल की उम्र से पहले ही, तो ये जो पेंशन जो है उसका जो स्पाउस, स्पाउस का मीनिंग अगर तो सब्सक्राइबर लेडीज है तो उसके हस्बैंड या फिर जो वाइफ हैं वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं 60 साल की उम्र तक, ठीक है। उसके बाद 60 साल की उम्र जैसे ही ओरिजिनल सब्सक्राइबर की होनी थी उसके बाद ये पेंशन जो है उनके पति या पत्नी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अगर मान लीजिए दोनों लोगों की ही डेथ हो जाती है, पति पत्नी दोनों की, तो उस केस में जो पेंशन कॉर्पस है, जो भी पेंशन फंड उसका इकट्ठा हुआ है, वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस स्कीम में आपको जो एडिशनल बेनिफिट क्या दिया गया है कि आप इस स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके लिए आप इनकम टैक्स रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCD 1B के, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलते हैं स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, भारत सरकार का कोई, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच है और उसका किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट हो, वो इस स्कीम के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। इस स्कीम के लिए कस्टमर के पास आधार कार्ड का होना जरूरी है, ठीक है। एक मंथली कंट्रीब्यूशन अमाउंट उसके अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा, जो कि कस्टमर की कंसेंट से ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इस स्कीम का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आप जितनी कम एज में इस स्कीम के लिए एनरोल करेंगे आपको उतना ही मॉनेटरी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई 18 साल का कैंडिडेट 1,000 की मंथली पेंशन के लिए चूज करेगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए उसका एक मंथली कंट्रीब्यूशन अमाउंट 42 रुपीज़ डिसाइड होगा, ठीक है, जो कि मंथली बेस पर या क्वार्टरली बेस पर जैसे भी वो चूज करेगा वो उसके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस स्कीम के लिए आपको एक अटल पेंशन योजना नाम की मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएगी प्ले स्टोर पर जाकर, जिसमें आप अपने लेटेस्ट जो 5 कंट्रीब्यूशंस हैं साथ में अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी हैं वो भी चेक कर सकते हैं। इस स्कीम के साथ ही इस ऐप में आपको प्राण कार्ड डाउनलोड करने की भी फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। और किसी भी इंक्वायरी के लिए आप अटल पेंशन योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स,
इस स्कीम में एक एडिशनल फैसिलिटी भी ये दी गई है कि अब आप इस स्कीम को नेट बैंकिंग पोर्टल पर या फिर मोबाइल बैंकिंग पोर्टल पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप इस स्कीम से एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। फ्रेंड्स, अगर आप इस स्कीम में एक बार एनरोल कर लेते हैं तो आपको इस स्कीम से एग्जिट करना अलाउ नहीं है, पर हाँ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, जैसे कि अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है उस केस में स्कीम को क्लोज किया जा सकता है, या फिर कोई मेजर इलनेस अगर सब्सक्राइबर को हो जाती है, जैसे कोई गंभीर बीमारी कस्टमर को हो जाती है उस केस में भी आप इस स्कीम को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो मंथली कंट्रीब्यूशन है, अगर उसमें कोई डिले होता है या फिर अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट होता है, मान लीजिए किसी महीने आपके अकाउंट से जो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो डेबिट नहीं होता है, तो उस केस में आपको क्या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो 100 रुपये मंथली तक बनता है, तो उस केस में आपको 1 रुपये 1 रुपया मंथली पेनल्टी पे करनी होगी, जो कि अगले महीने जिस जब भी आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट से 1 रुपया पेनल्टी के साथ वो डेबिट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट 101 से 500 रुपये के बीच बनता है तो उस केस में आपको पेनल्टी के तौर पर 2 रुपया मंथली पे करने होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 1 महीना डिले हुए हैं अपनी जो SI पे करने के लिए, तो उस केस में आपको 2 रुपये पे करने होंगे। अगर आपने 2 महीने डिले किया है तो आपको 4 रुपये पे करने होंगे। इसी तरह अगर आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट 501 से 1,000 रुपये के बीच बनता है तो आपको 5 रुपया पेनल्टी पे करनी होगी मंथली बेस पर। अगर आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट 1,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तो उस केस में आपको 10 रुपीज़ पेनल्टी पे करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्कीम में जैसा कि हमने अभी बात की है कि आपको ATCCD-1B जो कि इनकम टैक्स का एक क्लॉज है उसके अंडर आप टैक्स रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं अप टू 50,000 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस स्कीम में एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पेंशन अमाउंट के लिए, तो क्या आप उसे किसी दूसरी पेंशन अमाउंट के लिए स्विच कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए भी आपको एक एडिशनल फैसिलिटी दी गई है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई सब्सक्राइबर है, वो 1,000 की मंथली पेंशन के लिए सब्सक्राइब करता है और अब वो चाहता है कि मुझे 5,000 वाला जो मंथली पेंशन है वो सिलेक्ट करना है या फिर उसके लिए सब्सक्राइब करना है, तो आप साल में किसी भी वक्त पर सिर्फ एक बार इसको स्विच कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप स्विच तो कर सकते हैं लेकिन साल में सिर्फ एक बार। उसके लिए आपको बैंक में जाना होगा, एक पेंशन फंड जो है उसको स्विच करने का फॉर्म भरना होगा। ठीक है, और वो बैंक जो है आपके जो पेंशन फंड को स्विच कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी जो है वो दी जाती है, यानी कि आपकी कंसेंट के हिसाब से जो भी पेंशन फंड आपने चूज किया है उसके बेस पर आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो आपका डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट मोड में हर महीने काट लिया जाएगा। और आप अपनी मर्जी से कोई भी एक डेट चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 15 तारीख आज सेलेक्ट की है तो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को ही वही सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हमने पहले बात की है कि मान लीजिए नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर 1 महीने 2 महीने आप वो पे नहीं कर पाते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट, तो ये जो अमाउंट जो है आपके अकाउंट से डेबिट मोड में पेनल्टी के साथ काट लिया जाएगा जिस भी तारीख को आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, साथ में ही इसमें जो भी आपका कंट्रीब्यूशन प्रोसेस रहेगा उसमें आपको SMS फैसिलिटी, नॉमिनेशन चेंज की फैसिलिटी प्लस SI डेट चेंज की भी फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप कल को चाहें तो अपना नॉमिनेशन भी चेंज कर सकते हैं, प्लस जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं यानी कि जो ऑटो डेबिट फैसिलिटी की जो डेट है आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बात किया था फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको इसमें को कंट्रीब्यूट करेगी 5 साल तक, पर कंडीशन ये है कि सरकार आपको 1,000 रुपया मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेगी साल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए अगर आप इस अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करते, ऑपरेट नहीं करते हैं, उस केस में बैंक क्या एक्शन लेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप 6 महीने तक अकाउंट में कोई भी
ट्रांसैक्शन नहीं करेंगे, यानी कि अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है, मंथली कंट्रीब्यूशन है, वो 6 महीने तक नहीं कटता है, तो उस केस में क्या होगा, 6 महीने के बाद आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना वाला जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर 12 महीने तक आपका जो ये अकाउंट जो है उसमें कोई ट्रांसैक्शन नहीं होती है, उस केस में अकाउंट जो है आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और अगर ये जो ट्रांसैक्शन जो है वो 24 महीने तक कंटिन्यू रहती है, यानी कि आप 24 महीने तक कोई भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट पे नहीं करते हैं, उस केस में आपका अकाउंट जो है वो स्टॉप कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट क्लोज भी कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस केस में पेनल्टी जो है वो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार हम दोबारा से समराइज कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अटल पेंशन योजना में एंट्री के लिए आपकी उम्र जो है वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप टैक्स पेयर हैं और गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। 18 से 40 साल के सिर्फ इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड आधार नंबर होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो कि आधार के साथ लिंक होना चाहिए, प्लस आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर होना चाहिए, जिस पर आपको APY के SMS अलर्ट्स भेजे जाएंगे, प्लस कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। इसके साथ ही आपको अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक पॉइंट इसके साथ हम और ऐड करना चाहेंगे कि जो स्वावलंबन स्कीम में जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब किया है, अगर वो चाहें तो अटल पेंशन योजना में स्विच कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों में से वो किसी एक स्कीम को ही चूज कर सकते हैं, पर अगर वो चाहें तो अटल पेंशन योजना को चूज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें करना क्या होगा, बैंक में जाकर एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म भरना होगा कि वो NPS से, स्वावलंबन से अटल पेंशन योजना में स्विच करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलिए चलते हैं इसके कंट्रीब्यूशन चार्ट की तरफ। अटल पेंशन योजना का कंट्रीब्यूशन चार्ट फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम समझते हैं कि स्कीम में मान लीजिए कोई 25 ईयर्स का कोई कैंडिडेट एंटर करना चाहता है और वो 1000 की मंथली पेंशन के लिए सब्सक्राइब करता है, तो देखिए हम जैसे कि देख रहे हैं कि अगर मंथली बेस पर वो चाहे तो उसके अकाउंट से 76 रुपीज़ डेबिट होंगे, ठीक है। और अगर वो चाहे तो क्वार्टरली बेस पर उसके अकाउंट से 226 रुपया, यानी कि 3-3 महीने के अंतराल पर 226 रुपया उसके अकाउंट से डेबिट किए जाएंगे। और अगर वो चाहे तो हाफ ईयरली बेस पर भी पे कर सकता है, इस केस में 449 रुपीज़ उसके अकाउंट से डेबिट होंगे। ये जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है फ्रेंड्स, ये उसके अकाउंट में 60 साल तक चलता रहेगा। अगर वो बीच में चाहे तो किसी भी समय, जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी किया है, साल में एक बार इस पेंशन अमाउंट को स्विच भी कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब उसने 1000 की मंथली पेंशन के लिए सब्सक्राइब किया था तो वो 5000 की पेंशन के लिए भी स्विच कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके ऊपर एक कॉर्पस दिखाया गया है 1.7 लाख रुपीज़, यानी कि अगर वो 1000 की मंथली पेंशन के लिए सब्सक्राइब करता है तो इन केस ऑफ हिज डेथ, अगर डेथ केस में अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है 60 साल के बाद या फिर 60 साल से पहले, तो ये पेंशन जो है उसके वाइफ को ट्रांसफ़र हो जाएगी या फिर उसके हस्बैंड को ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों की ही डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो 1.7 लाख का, 1,70,000 रुपये का जो पेंशन कॉर्पस है वो उनके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। इसी तरह मान लीजिए अगर 25 साल के सब्सक्राइबर ने 5000 की मंथली पेंशन के लिए सब्सक्राइब किया हुआ था, तो उसके लिए जो उसका नेट पेंशन कॉर्पस है वो बनता है 8.5 लाख रुपया, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ के केस में 8.5 लाख रुपए का जो पेंशन फंड जो है वो उसके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह आप अपनी एज के हिसाब से अपना जो मंथली कंट्रीब्यूशन जो है वो इस चार्ट से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अटल पेंशन योजना का जो सब्सक्रिप्शन फॉर्म है उसकी तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अटल पेंशन योजना का सब्सक्रिप्शन फॉर्म है। इसमें जो मेन मेन डिटेल्स हैं वो है आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार नंबर। साथ में इसमें आपको अपना नॉमिनी का नाम लिखना होगा, उसका आपसे रिलेशन जो भी है, और उनका आधार नंबर, साथ ही अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ। साथ ही इसमें आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं, साथ में आपने
कोई भी किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे पेंशन डिटेल्स में आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जिस भी तरीके से अपना जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो पे करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, और एक पेंशन अमाउंट जिसके लिए भी 1000, 2000, 3, 4, 5 जिसके लिए भी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं उस पर आप टिक करेंगे। मंथली कंट्रीब्यूशन जो है वो बैंक की तरफ से आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, साथ में आपको एक मंथली जो SI का जो डेबिट डेट है वो बैंक को देना होगा, जिस डेट पर आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन है आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। डिटेल्स में इस योजना के बारे में जानने के लिए आप अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह से बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।